तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं बिल्कुल भी द बॉयज का फैन नहीं हूं, पर मुझे इस शो ने इम्प्रेस कर दिया अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और रियलिटी के करीब होने की वजह से। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, इस शो को देखने वाले हर किसी का प्रोस्पेक्टिव जरूर बदलेगा। पर आप लोगों में से जिन्होंने ये शो अभी तक नहीं देखा है, उन्हें लग रहा होगा आखिर क्या ऐसी बात है जो द बॉयज को इतना यूनिक और बेस्ट बनाती है। तो अगर डीसी या मार्बल के किसी भी फिल्म को उठा के देखें, तो उनमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट सदियों से चला आ रहा है। एक सुपर विलेन दुनिया की बजा रहा है, उसे रोकने सुपर हीरो आता है, विलेन मार खाता है, हीरो जीतता है और हैप्पी एंडिंग। पर रियल लाइफ में अगर सुपर हीरो सच में एग्जिस्ट करना शुरू कर देंगे तो होगा इसका ठीक उल्टा। असलियत में सुपर विलेन आ जाए तो ये धूम दबा कर भागेंगे। हाँ, आप तुम लोग जरूर बोलोगे मोरालिटी का क्या, तो पहली बात तो ये, ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, फिर चाहे वो सुपर पावर ही क्यों ना हो। ज्यादा पावर अक्सर बड़े से बड़ा इंसान को पागल बना देती है। तो अगर आपके पास गॉड लेवल की पावर हो और आप बहुत सालों से दुनिया को बचाते आ रहे हो बिना पैसे लिए, हाँ आपकी पब्लिसिटी जरूर होगी, तो शुरुआत में आप ना करो, पर एक टाइम बाद आप अपने पब्लिसिटी का इस्तेमाल करोगे पैसा कमाने के लिए, और आपके पब्लिसिटी स्टाफ को मैनेज करने के लिए बड़े बड़े कंपनीज बनेंगी। ऐसे कंपनीज आपके इमेज को क्लियर रखेंगे भले ही आपने कोई सा भी कांड क्यों ना किया हो, और इसी पॉइंट पे ही आप करप्ट होना शुरू हो जाएंगे। सीरीज में ऐसे ही हालातों को दिखाया गया है। हाँ, सीरीज में कुछ ऐसे भी सूप्स है जो अच्छे है और दुनिया को बचाने का सपना रखते हैं, पर जब दुनिया ही हरामी हो और आपकी कंपनी ये कहकर आपको रोक दे कि मत बचाओ पब्लिसिटी अच्छी नहीं होगी, तो आप क्या ही करोगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको पैसा ही तो चाहिए अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, इसीलिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। उल्टा सीरीज में ये लोग ऐसे तबाही मचाते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे शो के सुपर हीरो टीम सेवन के लीडर होमलैंडर को ही ले लो, बेसिकली ये सुपरमैन का सस्ता कॉपी है। मतलब सुपरमैन अगर एडिडास है तो होमलैंडर एबीबास। तो सीजन वन में होमलैंडर हाईजैक हो चुके प्लेन को क्वीन के बचाने जाता है, पर टेररिस्ट को मारते मारते प्लेन का ही मलफंक्शन करा देता है। अब यहाँ पर सुपरमैन होता तो पलक झपकते प्लेन को कम से कम समंदर में लैंड करा देता, पर होमलैंडर भाग गया, कून को लेकर ही भाग गया। इनफेक्ट इस इंसिडेंट के बाद इन सब ने मगरमच्छ के आंसू बहाकर झूठी पब्लिसिटी कर ली। कुछ ऐसा ही किया इन मोहतरमा ने एक सुपर विलेन को पकड़ने के लिए, वो भी मुर्दा, एक पूरी की पूरी बिल्डिंग ही तबाह कर दी, जिस वजह से कईयों की जान गई। और तो और इस कांड का श्रेय थोक दिया किसी और के ऊपर, या फिर रेट्रेन को ही ले लो, तो ये बेसिकली फ्लैश का कॉपी है और एक नंबर का नशेड़ी है। और इस नशे की वजह से इस बेचारे को अपनी गर्लफ्रेंड को खोना पड़ा, वो भी इतनी खतरनाक तरह से। अब ऐसा नहीं है कि डीसी और मार्बल ने इस पॉइंट के ऊपर कभी रोशनी नहीं डाली। डीसी ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में और मार्बल ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में इस पॉइंट को दिखाया है, मगर सुपर हीरोज को जस्टिफाई करते हुए। पर इस शो में ऐसा नहीं है। सुपर हीरोज की वजह से अगर डिस्ट्रक्शन हुआ है तो हुआ है, इसमें इनकी ही गलती है। मुद्दे की बात करें तो शो में किसी के भी गलतियों को जस्टिफाई नहीं किया गया है, फिर चाहे कोई भी हो। इन शॉर्ट शो देखते टाइम आपको हर एक सुपर हीरो से नफरत हो जाएगी। अब देखो, कहानी में बुराई है तो अच्छाई भी चाहिए परफेक्ट बैलेंस के लिए, और शो में परफेक्ट बैलेंस लाते हैं ये लोग। अब यहाँ पर गौर करने वाली है कि भले से ये लोग इन सुपर पावर वाले कमीनों को और इनको बनाने वाले कंपनी बोट इंडस्ट्री को खत्म करने निकले हैं, पर ये लोग कोई मसीहा बसिया नहीं है। बॉयज एक काम सिर्फ एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, और वो है बदला। दुनिया चाहे कहीं पर भी चली जाए, इनको तो बस एक ही चीज चाहिए, बदला। जैसे बिली द बुचर अपने जानेमन के लिए, मदर मिल्क यानी माँ का दूध अपने बाप के लिए, यूई अपने एक्स के लिए, फीमेल अपने भाई के लिए, और इसी का अभी तक तो नहीं पता, आने वाले एपिसोड में पता चली जाएगा। अब टेक्निकली बोलूं तो ये शॉर्ट क्रिस्टोफर नोलन के डार्क नाइट ट्रिलॉजी के बाद दूसरी अब तक की बेस्ट सुपर हीरो प्रोजेक्ट है। परफेक्ट कास्ट, परफेक्ट स्टोरी लाइन और डीप और डार्क ह्यूमर से भरे हुए कैरेक्टर, और क्या ही चाहिए यार। जहाँ डीसी और मार्वल अपने सुपर हीरोज को सुपर हीरोज ही बना के रखते हैं, बवाल चाहे कितना भी बड़ा हो, ऐसे दिखाएंगे कि ये जिम्मेदार नहीं है। पर द बॉयज में ठीक इसका उल्टा दिखाया गया है। जब भी तबाही मचती है तो चले आते हैं लोग मीडिया के सामने, भले से ही मगरमच्छ के आंसू बहाए। इन शॉर्ट पूरी सीरीज ही बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है। रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है, बड़े बड़े कंपनीज में तो ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं जिनके बारे में हम में से ज्यादातर को पता ही नहीं है। वैसे इस टॉपिक के ऊपर एक बेहतरीन फिल्म बन चुकी है, द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। कभी टाइम मिले तो जरूर देखना। अब देखो, हर मूवी को आप इसलिए हिट नहीं करवा सकते कि वो फिल्म एक बड़े बैनर तले बनी है, और ह्यूमर प्लस एक्शन मूवी। हर इंसान का नजरिया टाइम टू टाइम बदलता है। आज कुछ पसंद आई तो कल कुछ और पसंद आएगी। अब ये बात भी है कि मूवी या शो आर रेटेड है तो ही पिक्चर हिट हो जाएगी। स्टोरी से लेकर डायरेक्शन तक सब कुछ कॉम्पेलिंग होनी चाहिए, तभी पिक्चर हिट होगी, वरना कैप्टन मार्वल और हेलबॉय 2019 थोड़ी ना एवरेज मूवी कहलाती। तो ओवरऑल अगर आपको आर-रेटेड मूवीज पसंद है विद स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन और पावरफुल कास्ट, तो इस शो को देखने बैठ जाओ। यकीन मानो, दूसरे शो से अलग इस शो के दोनों सीजन को आप एक दिन में ही देखकर खत्म कर दोगे, इतनी ज्यादा एंगेजिंग है ये शो। बस आज बहुत बोल दिया, तो इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं।
अगर आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया या आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।